ये रोबो रिक्शा सूरत के एक यूथ ग्रुप ने तैयार किया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों ने इस बेहद अनूठे प्रोजेक्ट को तैयार किया है। इस फील्ड में हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। पिछले आप बोल सकते हो कि इवन मैं जब 10th क्लास से था तभी से इस चीज में मैं काम करना चालू कर दिया था। आज मुझे काम करते करते लगभग 4 से 5 साल होने को आ गए। तो इस फील्ड में हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और ये जो अभी आप रोबोट देख रहे हैं ये हमारा पहला रोबोट नहीं है। इसके पहले भी हमने काफ़ी अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग रोबोट भी डिज़ाइन किया हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका हमारा पूरा ये बना ही नहीं है और एक्चुअल में हमने इसको बना के सिर्फ रोड पर टेस्टिंग के लिए ही लेके गए थे। उतने में ही ये वीडियो वायरल हो गया और आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं। अभी एक्चुअल में इसका पूरा काम ही बाकी है। शिवम और उनके दोस्तों को आखिर ये रोबोट बनाने का आइडिया आया कैसे? उन्हें इस रोबोट को प्लान करने और इसका डिजाइन तैयार करने में कितने दिन लग गए? लगभग समझिए ना कि इसको बनाने में हमको 25 दिन के आसपास में ये गया। ये कैसा है ना कि अभी ये जो मैकेनिज्म हमने बनाया ये पूरी एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके कि मीन्स एक ह्यूमन किस तरीके से चलता है उसको स्टडी करके हमने ये पूरा लेग बनाया। जिस तरीके से आप देखा होगा जिस तरीके से हम चलते उस तरीके से ये चल रहा, सेम वैसा ही मूवमेंट है। इन छात्रों ने अलग अलग राज्यों से रोबोट के हिस्से और मशीनरी जुटाए हैं ताकि रोबोट को तैयार किया जा सके। अगर मटेरियल की बात करें तो सारे मटेरियल यहाँ पे मुझे नहीं मिले। कुछ मिले थे, कुछ हमने अलग अलग राज्यों से मंगाया जहाँ पे अवेलेबल था वहाँ से हमने मंगाया। उसके बाद पूरा डिज़ाइन करना, कंट्रोलर भी डिज़ाइन करना था तो मटेरियल हमने बाहर से ही मंगवाया। इन छात्रों का कहना है कि आने वाले सालों में रोबोट समझ भी सकेंगे और इंसानों जैसी चीज़ें भी कर सकेंगे। AI रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे आप फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, उस पर आप जो भी बोलोगे वो सेंस करेगा, सुनेगा, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा। आप फोन से उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको जो मैसेज फोन में डाल देंगे उस हिसाब से वो रोबोट वही काम करेगा। मान लीजिए आपने उसको बोल दिया रूम नंबर 30 में जाके सामान डिलीवरी करके आ जाए, तो उसके अंदर सारी मैपिंग रहती है। जैसा हम फोन में उसको ऑर्डर देंगे उस हिसाब से जाके वो उस रूम से होके आ जाएगा। ऐसे भी रोबोट्स हमने बनाए हैं जो डॉक्टर्स के लिए और अलग अलग जगह पे उसका यूज़ होता है। डिलीवरी के लिए भी मैंने बनाया, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया।